हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिग बॉस का शो खत्म हो चुका है और मनवीर हो गए हैं इसके विनर। अब आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं शो खत्म होने के बाद, शो से निकलने के बाद ये सारे कंटेस्टेंट स्वामी ओम के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। बाबा ओम जो बाहर हो गए हैं, बहुत सारी बातें जो आपको शायद पता नहीं होगा, उन्होंने ये कहा है बाहर जाकर कि उन्होंने सलमान खान को पीटा है और आप लोगों से कहा है कि इनको मत मारो। Is it true? In continuation to his question, I want to ask, when you met Baba, that Om Swami on day one, did you in your wildest dream thought that he will prove himself like this by the end of the show? Oh my God, never in my entire life I thought I would meet someone like him, because very honestly I'm very blessed and I have very nice people around me. Mere around bahut zyada gentlemen hai jo bhi men hai mere around, and they are always well behaved and they never treat me like that. To maine kabhi socha nahi tha sapne mein bhi ki aise insaan ke sath ek ghar mein rehna padega jiska bed aapke bed ke baju mein hoga, matlab par जिस तरह से उन्होंने हरकतें की है घर में, घर के बाकी के सदस्यों के बारे में, बहुत ही निंदनीय है। मुझे, मैंने तो उनको कहा था आपके पुतले बच जलेंगे। उन्होंने कहा कि सलमान खान को मारा है और शायद आपने उन्हें कहा था कि आप उन्हें ना मारें। Is it true? मैंने कहा कि सलमान को, सलमान जी को नहीं मारना। ओ माय गॉड, आप भी यार किसकी बातों पे बिलीव करते हो? जो मैंने ओम जी को कहा था कि आप जैसी बातें करते हो ना मत किया करो, क्योंकि आपके पुतले चलेंगे चौक चौक में इंडिया के। जिस तरीके से वो बातें करते हैं, एक्सट्रीमली अनरियलिस्टिक बातें हैं, उनकी बातों पे बिलीव करने वाले इंसान भी मुझे थोड़ा, आई एम श्योर कि आप बाहर आए, बिलीव ही नहीं कर सकते उनकी बातों पे। आई एम श्योर कि आप जब बाहर आई तो बहुत सारे खबरें मिली होंगी उनसे उनके बारे में। पहली जो खबर वो क्या मिली है? पहली खबर ये मिली कि उनको बहुत पीटा लाइव चैनल पे। जिसने भी किया, वेल डन, लाइक रियली, जो चीज हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे हमारे कुछ दायरे थे जिनके अंदर अंदर हमें खेलना था। हमने अंदर अरविंद केजरीवाल को मारा, हमने सोनिया गांधी को गालियां दी, ऐसी बहुत सारी बातें। तो हो सकता है कि आपके शो देखने के बाद, ये इंटरव्यू देखने के बाद आपके पीछे वो पड़ जाए। मेरे पीछे पड़ने दो, उनकी बातों पे बिलीव भी कौन करता है? सलमान खान को भारत में कोई नहीं मार सकता, भारत में कोई नहीं मार सकता, ठीक है? क्योंकि हमारे सामने ही कहाते थे कि हम कुछ कह सके उनको, वो एक टीवी स्क्रीन पे होते हैं, हम लोगों को फ्राइडे एपिसोड्स में दिखते हैं और हमसे वो इंटरेक्ट करते हैं, और एक वो सिंगल आदमी है जो हमारी सबसे ज्यादा मदद करते हैं। जी जब बाहर आए तो बहुत सारी बातें की, उन्होंने कहा कि सलमान को मैंने पीटा है। आपके साथ एक घर में डाल दिया जाता है जिसके साथ आप वैसे बाहर एक सेकंड नहीं बिताएंगे, तो इसमें ना समझ में आने वाली क्या बात है? आप समझना चाहेंगे क्यों और बात क्यों करेंगे उससे? बाहर जाकर लोगों से जुटियां खाते हैं वो, और लात और मिठाई खा रहे हैं इंटरव्यूज में जाकर, तो हम लोग तो बंधे हुए थे, हमारे पास चॉइस क्या थी? सो द स्टोरी, आई थिंक वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, पर मुझे लगता है हम जितनी उनके बारे में बात करते हैं उतना ही वो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स, मैं वो करना नहीं चाहता। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें YouTube/BiscuitTV।